हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होममेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी से डिजाइनर लहंगा बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे बनाए हुए डिजाइनर ड्रेसेस पसंद आते हैं तो ये सभी ड्रेसेस मीशो ऐप पर अवेलेबल हैं। आप मीशो ऐप पर जाइए और राइबिया सर्च करिए तो मेरे सभी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना मनपसंद कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, मीशो पर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अपलोड करूँ उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए और आप उस ड्रेस को अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। तो फिर चलिए हम लहंगा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक साड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और इस साड़ी से आज मैं एक सर्कुलर लॉन्ग स्कर्ट बनाने आपको बताऊंगी। और इस स्कर्ट की लेंथ मैं 38 इंच रखूंगी और इसकी कमर 40 इंच रहेगी। ये 6 मीटर की साड़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी इस तरह से है, ये 6 मीटर की। तो इसमें से 5 मीटर फैब्रिक हम पहले कट करके अलग कर लेंगे। ये मैंने 5 मीटर साड़ी कट करके अलग कर ली है और ये आप देख सकते हैं इस साड़ी का विड्थ जो है 45 इंच है। और इस साड़ी को हम क्या करेंगे कि पहले हम ऐसे लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे, जैसे हम साड़ी को फोल्ड करके बक्से वगैरह में रखते हैं। ये देखिए, मैंने इसको एक बार फोल्ड किया, ये इसको हम बराबर से, ये देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। और फिर एक बार और, ये देखिए मैंने इसको दो बार ऐसे फोल्ड कर लिया है ये। और बस अब हम इसको ऐसे बराबर से फैला लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये 4 लेयर कपड़ा हो गया है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, और ये इधर से खुला है और इस तरफ से हमारे सारे कपड़े ज्वाइंट हैं। तो इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से हम एक कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे ट्राइंगल शेप में पहले फोल्ड कर लेंगे। और अब ये 8 लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1, 2, 3, 4, और 4 लेयर ये है 5, 6, 7, 8। ये टोटल 8 लेयर कपड़ा हमारा हो गया। और अब हम यहाँ पर अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी जितनी भी कमर है या जितनी भी कमर का हम स्कर्ट बना रहे हैं उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 8 लेयर कपड़ा हो गया है। तो ये स्कर्ट जो है 40 इंच कमर की बन रही है। तो हम इंची टेप में देखेंगे कि 40 का निशान कहाँ पर है। वहाँ पर हम टेप के अपने, ये देखिए, दूसरे सिरे को रखेंगे। ये एक बार हो गया और एक बार और, और ये मैंने दो बार इसको फोल्ड किया। और उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे सेम उसी टाइप से। ये देखिए, ये मैंने इसको 3 बार फोल्ड कर दिया है और ये भी हमारा 8 लेयर हो गया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसको हम ऐसे प्रेशर डालकर ऐसे दबाएंगे। और फिर जब हम इस टेप को खोलेंगे तो ये देखिए, ये पहली बार जहाँ पर बैंड हुआ है, ये हमारा 40 का ये 8वां भाग निकल कर आ गया है, 8th पार्ट। और इसमें फ्रेंड्स हम 2 इंच या 2.5 इंच भी हम मार्जिन ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी स्कर्ट में हल्की हल्की ऊपर की साइड में फ्रिल बनाएंगे तो इससे बहुत प्यारा लुक आता है। और हम इसमें इलास्टिक भी लगाएंगे तो ये थोड़ा हमारा चौड़ा ही होना चाहिए। तो मैं इसमें 2.5 इंच लगभग मार्जिन ऐड कर लूँगी। तो 5 में मैंने 2.5 इंच ऐड किया तो ये 7.5 इंच हो गया। और बस अब इसको हम ऐसे टेप को ऐसे रखेंगे, ये देखिए बराबर से, और जहाँ पर ये 7.5 इंच आ जा रहा है वहाँ तक हम इसको ऐसे रख लेंगे। और बस, और अब हम ऐसे इस पर ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा दिया है। और अब यहाँ से नीचे की तरफ हम अपने लहंगे की लेंथ लेंगे, जितना भी लंबाई का हमको लहंगा बनाना है। और यहाँ ऊपर की तरफ फ्रेंड्स हमारी 2 इंच की बेल्ट अटैच होगी तो हम अपने लहंगे की लेंथ में से 2 इंच कम कर देंगे। तो ये देखिए, हम टेप को ऐसे रखेंगे, ये 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ इसको छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 इंच की बेल्ट अटैच हो जाएगी। और अब हम ऐसे अपने लहंगे की लेंथ ले लेंगे। तो ये लहंगा 38 इंच का बनने वाला है तो 38 इंच पर हम एक निशान यहाँ पर लगा देंगे और 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 39 इंच पर हम एक दूसरा निशान यहाँ पर लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि हम इस टेप को चाहें तो ऐसे ऊपर से रख सकते हैं। और ये देखिए, अब ये 45.5 इंच आ रहा है और हम टेप को थोड़ा थोड़ा नीचे से ऐसे सरकाएंगे और 45.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से, और पूरा वहाँ तक हम टेप को ऐसे सरका सरका कर ऐसे गोलाई में 45.5 इंच पर ही ऐसे पूरा
निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे मैंने इस तरह से ये पूरा राउंड में निशान लगा लिया है 45.5 इंच पर। और अब इस निशान पर और इस निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग ये आप देख सकते हैं, और ये वाली कटिंग भी मैंने कर ली है। और ये देखिए ये हमारी स्कर्ट, ये मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ, ये इसमें कितना सारा घेर आ गया है, ये देखिए, ये इस टाइप से ये हमारा फुल सर्कुलर स्कर्ट कट हो गई है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत फ्लेयर आ गया है, और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स बेल्ट की कटिंग करने के लिए हम जितनी भी कमर का लहंगा बना रहे हैं उसमें हम 7 इंच और ऐड कर लेंगे उसकी विड्थ में, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स अगर हमको इलास्टिक ऐड नहीं करना है तो हम केवल 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप किसी लहंगे में 7 इंच ऐड करती हैं, किसी में 2 इंच ऐड करती हैं, तो मैं 7 इंच उसमें ऐड करती हूँ जिसमें हमको इलास्टिक लगाना है, क्योंकि उसको फैलने के लिए हमको पूरी जगह होनी चाहिए। बट अगर हमको साइड में जिप और हुक लगाना है अपने लहंगे में तो हम केवल उसकी विड्थ में 2 इंच ही ऐड करेंगे। तो इस लहंगे में मैं इलास्टिक लगाऊंगी, तो इस लहंगे की बेल्ट में मैं 7 इंच इसकी विड्थ में मैं ऐड करूंगी। और ये कपड़ा जो साइड से नीचे से कट कर निकला था इसी कपड़े से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है, और ये लहंगा 40 इंच कमर का बन रहा था तो इसमें मैंने 7 इंच और ऐड कर लिया है इसकी विड्थ में। और ये देखिए ये 47 इंच विड्थ का ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है, और इस कपड़े की लेंथ मैंने 5 इंच रखी है, जो सिलने के बाद ऐसे जब हमारा बेल्ट मुड़कर सिलेगा और लहंगे में अटैच होगा तो ये लगभग 2 इंच की बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो ये लहंगे का हमारा 2 पार्ट था, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे हम इसको रख लेंगे और इसके ऊपर हम ये दूसरा वाला पार्ट रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए हम इसको पहले एक साइड से पूरा अटैच कर लेंगे। तो इसको मैंने एक साइड से अटैच कर दिया है और एक तरफ से ये खुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस टाइप से ये देखिए ऐसे कर लेंगे, ये हो गया, और ये हमारा कमर वाला पोर्शन है, और इस पर हम 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके पूरा यहाँ से इस कॉर्नर तक सिलाई चला देंगे, फिर धागे को खींचकर हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मशीन की सिलाई मशीन की लेंथ है, ये अभी 3 पर है, तो इसको मैं घुमाकर ऐसे 4 पर कर दूंगी, ये देखिए, और अब ये फुल लेंथ हो गई, और बस हमको और कुछ नहीं करना है। और अगर हमारे पास पुरानी वाली सिलाई मशीन है या पैर वाली सिलाई मशीन है तो उसमें भी ये लेंथ दिया रहता है सिलाई मशीन में, तो हम उसकी लेंथ फुल कर लेंगे और उसके बाद बस हम सीधी सीधी सिलाई चलाएंगे ये कमर वाली साइड में 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए, ये देखिए, और पूरा हम इस पर सिलाई चला लेंगे और फिर हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो इस पर मैंने सिलाई चला ली है ये 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए, और अब हम क्या करेंगे कि ये आप देख सकते हैं कॉर्नर से इधर से, ये देखिए ये जो 2 धागे निकले होते हैं ये एक ऊपर की तरफ है और एक धागा नीचे की तरफ है, तो इन दोनों धागों में से हम कोई सा भी एक धागा ऐसे पकड़ेंगे और जब हम इस धागे को खींचेंगे तो ये देखिए हमारी फ्रिल बनती जा रही है कितनी प्यारी। तो इस धागे को खींचकर और कपड़े को ऐसे सरकाकर हम इसकी हल्की हल्की फ्रिल बना लेंगे, बहुत घनी फ्रिल हमको नहीं बनानी है। इस तरह से धागे को खींच खींच कर हम पूरे कपड़े में फ्रिल बना लेंगे, और फ्रिल हम उतनी ही बनाएंगे जितना चौड़ा हमारा ये बेल्ट है, और इस बेल्ट के अकॉर्डिंग हम इसको नाप कर ऐसे फ्रिल उतनी ही फ्रिल इसमें बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये धागे को खींचकर और कपड़े को सरकाकर ये मैंने फ्रिल बना ली है बहुत हल्की हल्की, और ये फ्रिल मैंने इस बेल्ट के अकॉर्डिंग ही बनाई है, इसकी लंबाई और ये बेल्ट की लंबाई सेम है। और फ्रेंड्स अब हम इस स्कर्ट में इस बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस बेल्ट को मैंने उल्टी तरफ से रखा है, ये देखिए ये बेल्ट का इधर से सीधा साइड है, तो इसको हम ऐसे पलट कर रखेंगे, ये बेल्ट का हमारा उल्टा वाला साइड हो गया और ये हमारा लहंगे का सीधा वाला साइड है। और अब हम इस लहंगे को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर ये देखिए ऐसे पकड़कर इस बेल्ट को इस स्कर्ट में ऐसे हम ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे, और बस इस पूरी बेल्ट को हम पूरा इस कॉर्नर तक पहले इसमें अटैच कर लेंगे।
तो ये सिलाई मैंने चला दी है ये पूरी बेल्ट पर, ये देखिए इस कॉर्नर तक, और ये हमारी बेल्ट इसमें अटैच हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और फिर इसको हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे, जिससे हमारी ये बेल्ट इसमें अटैच हो जाएगी। कपड़े को मैंने फोल्ड करके, ये आप देख सकते हैं, इसको जगह जगह से पिनअप कर दिया है इस बेल्ट को, और बस अब इसके कॉर्नर्स पर हम ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये सिलाई मैंने चला दी है, ये आप देख सकते हैं ये, और ये बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। और अब इसके अंदर हमको इलास्टिक लगाना है, तो ये मैंने इलास्टिक कट किया है। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हम इस टाइप से करते हैं कि जितनी भी हमारी कमर है उससे 4 या 5 इंच छोटा हम इलास्टिक कट करेंगे। तो ये लहंगा 40 इंच कमर का बन रहा है, तो इससे 5 इंच कम करके ये 35 इंच ये मैंने विड्थ की ये इलास्टिक कट कर ली है। और इस इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन की मदद से, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से हम इस इलास्टिक को इधर से इसमें पास कर लेंगे, और उसके उस कॉर्नर से हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये इलास्टिक मैंने लगा लिया है, और इसको इस साइड से मैंने पलट कर निकाल लिया है। और अब इस स्कर्ट को उल्टा करके हम ये पूरा ऊपर से नीचे तक इसको अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्कर्ट बनकर रेडी हो गई है, और इसको साइड से मैंने अटैच भी कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब नीचे की साइड में हम इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मोड़कर पूरे घेर में या तो सिलाई कर दें, या फिर हम पिको भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि पहनने के बाद इस स्कर्ट का लुक कितना प्यारा लग रहा है। और आप इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ को बनाने की भी फुल वीडियो मेरे चैनल पर देख सकती हैं, और अपने लिए एक डिज़ाइनर लहंगा चोली बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लहंगा बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी डिज़ाइनर ड्रेसेस पसंद आती हैं तो ये सभी ड्रेसेस मीशो ऐप अवेलेबल हैं। आप मीशो ऐप पर जाइए और राइबिया सर्च करिए, तो मेरे सभी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, और आप उसमें से कोई भी ड्रेस अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं।